19 मई को आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर आता है जो अभी मैं आपको जस्ट दिखाने ही वाला हूं, बट इस सर्कुलर के बाद हर कोई बात करना शुरू कर देता है। चाहे आप न्यूज चैनल उठा लीजिए, चाहे सोशल मीडिया पर यूट्यूब उठाइए, इंस्टाग्राम उठाइए, फेसबुक उठाइए, ट्विटर उठाइए, हर जगह बात शुरू हो जाती है कि 2000 का नोट बैन हो रहा है, डिमोनेटाइजेशन के ऊपर बातें करने लग जाते हैं लोग। मैंने एक्चुअल में जाके आरबीआई का सबसे पहले सर्कुलर पढ़ा और मैं आपको यही सर्कुलर पढ़वाऊंगा। यहां पे आप ये सर्कुलर देखेंगे, आरबीआई की ही वेबसाइट है और आरबीआई का ये सर्कुलर है जो 19th ऑफ मई को आया है। इस सर्कुलर में अगर आप सर्च करेंगे, अगर मैं यहां पे बैन लिखूं, आपको बैंक्स तो हर जगह दिख जाएगा, बैन नाम का कोई शब्द यहां पर यूज नहीं है। आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर हम डीमोनेटाइजेशन भी लिख देते हैं तो डीमोनेटाइजेशन भी एक भी जगह कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। कोई नोटबंदी की बात नहीं हो रही है, कोई बैन की बात नहीं हो रही है। तो भाई हुआ किस चीज का हो रहा है इसे समझते हैं। पहले तो आप इसका सब्जेक्ट ही पढ़िए। यहां पर लिखा है विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेशन से 2000 के नोट को रोका जा रहा है, पर उसके आगे लिखा है विल कंटिन्यू एज अ लीगल टेंडर। अभी बात आरबीआई कर रहा है कि 2000 के नोट को सर्कुलेशन में रोकना है। क्यों रोकना है जस्ट मैं इसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, पर यहां पर देखिए सर्कुलेशन से जो रोकना है इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। नंबर वन, बैंक कोई भी 2000 का मतलब 2000 के डिनोमिनेशन का नोट और इशू नहीं करेगा। इमीडिएट इफेक्ट से बैंक्स के पास जो भी यहां पे करेंसी चेस्ट होते हैं उसमें जो भी पैसा रखा होता है, अगर 2000 के नोट उनके पास है तो वो 2000 के नोट पब्लिक को नहीं देंगे विद द इमीडिएट इफेक्ट। अब नोट 2000 का मार्केट में और सर्कुलेशन में नहीं आएगा, ये आपको एक बात समझ आ रही है। पर आप कहेंगे ये तो इन्फॉर्मेशन हमें पहले से ही पता थी, क्योंकि यहां पर भी इन्होंने बोला है आरबीआई ने अपने इसी सर्कुलर के अंदर कि हमने 2018-19 में ही 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे। तो 2018-19 में आखिरी बार आप कह सकते हैं कि 2000 का नोट छपा है, उसके बाद नोट छपे ही नहीं है। 2019, 20, 21, 22, आज हम 23 में खड़े हैं, उसके बाद से 2000 के नोट छपने ही बंद हो गए थे। तो छपना तो बहुत पहले बंद हो गए हैं। तो आरबीआई का क्लियर मोटिव था कि हमें सर्कुलेशन से 2000 के नोट को रोकना है। अब कई सारे लोग इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि भैया अगर इसे रोकना ही था, सर्कुलेशन में भी रोकना था, या फिर जैसे लोग बोल रहे हैं कि बैन करना था या नोटबंदी करनी थी, तो 2000 का नोट मार्केट में लाया ही क्यों गया। वेल, शायद हम इतने समझदार नहीं है, आरबीआई शायद ज्यादा समझदार होगी। उस टाइम पे जब डीमोनेटाइजेशन किया गया तो लोगों के पास 500 और 1000 के नोट होते थे। अब अगर एकदम से बंद कर देंगे और लोगों को कैश चाहिए होगा तो जो 500 के या 100 के या 200 की जो करेंसी बाद में ले आई गई वो इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस शायद ना की जा पाए कि लोगों की उस टाइम पे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। तो 2000 के नोट की जो आप समझेंगे वैल्यू है, अब भाई 4-500 के नोट, इसके ऊपर अभी जस्ट मैं बात करूंगा, 1-2000 का नोट, तो एक नोट लाने से उस वक्त इमीडिएट प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व की जा सकती है। पर पॉइंट यहां पर ये भी आ रहा है, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो क्लियर था कि 2000 का नोट लाया जाएगा तो इससे क्या होगा कि आप और ज्यादा ब्लैक मनी को अपने पास रख पाएंगे। पर इस स्टेप से अभी हम ब्लैक मनी के ऊपर बात करेंगे और उससे भी ऊपर हम बात करेंगे एक और चीज की, बट वो मैं आपको अभी बताऊंगा। थोड़ा सा इससे पहले सर्कुलर को समझते हैं। तो ये आपको समझ आ गया, उसके बाद अब आप समझिए अभी बोला क्या जा रहा है लोगों को। यहां पर टाइमलाइन दिया गया है जो कि आप भी समझ पा रहे हैं कि 30 सितंबर तक आप अपने 2000 के जो नोट हैं उन्हें जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। इसे पढ़िए यहां पे, डिपॉजिट एंड एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको टाइम किस चीज का दिया जा रहा है, पब्लिक को टाइम दिया जा रहा है कि हम सर्कुलेशन से रोक रहे हैं। आप सर्कुलेशन से रोकना चाह रहे हैं, अगर आपको अपना 2000 का नोट एक्सचेंज कराना है तो आप बैंक में जाइए और बैंक में जाके आप अपने 2000 के नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं और आप 500 के या 200 के या 100 के डिनोमिनेशन में आप पैसे ले सकते हैं। पॉइंट नंबर वन। नंबर टू क्या है यहां पे कि यहां पर लिमिट लगाई गई है कि एक बार में आप 20,000 रुपए ही, मतलब सिर्फ 10 नोट ही 2000 के एक बार में एक्सचेंज करा पाएंगे। अब ये एक्सचेंज का जो यहां पर पॉइंट है ये मुझे समझ आ गया, आपको भी समझ आ गया होगा, पर अब ये वाली लाइन ना कई सारे लोग मिस कर देंगे। यहां पर एक चीज बोली गई है कि आपके पास, बैंक्स के पास जो भी नोट आएंगे उन्हें नोट सॉर्टिंग मशीन के थ्रू ही उनकी एक्यूरेसी और जेन्युइननेस चेक की जाएगी। अब पॉइंट यहां पर आता है कि अगर फेक नोट पकड़ा गया, काउंटरफीट करेंसी पकड़ी गई तो उसका क्या होगा। आप यहां पर इस मास्टर डायरेक्शन को भी पढ़िए, अब ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है ये देखिए, ये पहले से ही था, तो ये अप्रैल के अंदर अगर आप इसे देखेंगे तो ये मास्टर डायरेक्शन अप्रैल 2023 में आई है। तो अभी हम
मई के अंदर ये वीडियो बना रहे हैं। सो इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर क्या बोला गया कि अगर एक बार में चार नोट पकड़े जाते हैं एक सिंगल ट्रांजेक्शन में जो कि नकली होंगे, तो वहां पर नकली अगर आप नोट बैंक में लेके जाएंगे तो बैंक उस पर काउंटरफीट का स्टैंप लगाएगा और उसे अपने पास इंपाउंड कर लेगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर वन इसे समझिएगा। पॉइंट नंबर टू क्या है कि अगर एक बार में चार नोट यहां पर पकड़े गए, यहां पर बैंक को जो बैंक का नोडल बैंक ऑफिसर होगा उसे पुलिस अथॉरिटीज में मतलब जो नोडल पुलिस स्टेशन है वहां पर इसकी रिपोर्ट करनी होगी बाय द एंड ऑफ द मंथ। पर अगर एक बार में पांच नोट या पांच से ज्यादा नोट पकड़े गए एक सिंगल ट्रांजेक्शन में तो अब क्या होगा इसे समझते हैं। यहां पर इमीडिएटली उन्हें पुलिस स्टेशन में यहां पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद एफआईआर भी होगी। अब यहां पे कई सारे सवाल भी हो सकते हैं आप लोगों के, जैसे कि अगर किसी के पास भाई 20,000 से ज्यादा पैसा है, 2,000 के नोट ज्यादा है, 10 से ज्यादा है तो क्या होगा। भाई एक बार में तो आपको समझ आ रहा है कि 10 ही नोट चेंज होंगे, हो सकता है इसके ऊपर अभी क्लैरिफिकेशन आए कि एक दिन में आप 20,000 करा सकते हैं एक्सचेंज या डिपॉजिट, या आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग अगर बैंक में पहुंच जाएंगे ज्यादा पैसा लेके तो बैंक के पास भी लिमिटेड सप्लाई होगी। भाई 500 के नोट सबको चाहिए तो सबको कैसे दे पाएंगे, इसीलिए 20,000 की कैप रखी गई है। दूसरा सवाल ये आ सकता है कि भाई मेरा अगर उस बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो उस बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, मेरे घर के पास एक बैंक है मैं वहीं पे जाके एक्सचेंज करा लूंगा। तो यस आपका आप किसी भी बैंक में जाके एक्सचेंज करा सकते हैं, वहां पे आपकी केवाईसी होगी, पर ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपका उस बैंक के अंदर अकाउंट होना जरूरी है। तो बैंक को तब भी आपके जो जो भी आप पैसा लेके जाएंगे 2,000 रुपए के नोट लेके जाएंगे उन्हें आपको बदल कर देने पड़ेंगे दूसरे डिनोमिनेशन के नोट। लोगों को लग रहा है कि भाई अभी इतना बड़ा स्टेप लिया जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि ये 2,000 के नोट की सर्कुलेशन को पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है, पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, आरबीआई आज से नहीं 2017 में 2000 के जो नोट थे सर्कुलेशन में लगभग 50% थे, 18 में घटके जो सर्कुलेशन है ना 37.3% रह गया, 2019 में लगभग 31%, 2020 में 22%, 2021 में लगभग 17%, 2022 में 13.8% और 2023 में 10.8% सर्कुलेशन में रह गए 2,000 रुपए के नोट। इसका मतलब यह है कि आरबीआई अभी से नहीं 2017 से ही 2,000 के नोट की सर्कुलेशन को कम करती जा रही थी। अब यहां से समझते हैं होने क्या वाला है। अभी क्या है लोग डरना शुरू हो गए हैं, यहां पर कहीं नहीं लिखा कि 30 सितंबर के बाद भी, इस सर्कुलर को अगर आप पढ़ेंगे कि 30 सितंबर के बाद भी आपकी जेब में जो भी 2000 के, मेरे पास तो इतने ही है तो मैं इतने दिखा रहा हूं, अगर आपके पास ये 2000 के नोट है तो इसका मतलब ये है कि 2000 के नोट बैन नहीं होंगे, 30 सितंबर के बाद भी ये लीगल टेंडर ही है। मतलब क्या है, तो ये क्यों बोला गया, अभी ये बोला गया सर्कुलेशन से रोक दो, किसी को एक्सचेंज कराना है तो वो एक्सचेंज कर सकता है। पॉइंट नंबर वन, हो सकता है कि इसे कल को बैन भी कर दिया जाए, मैं नहीं कह रहा कि इसे बैन नहीं किया जा सकता, बट अभी ऐसा सर्कुलर में कहीं लिखा नहीं है। प्लस जब तक बैन का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा ये लीगल टेंडर है, अगर ये लीगल टेंडर है इसका मतलब है इसके एक्सचेंज में आप कोई सामान खरीद पाएंगे, अगर कोई एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है तो आप बैंक में जाके डिपॉजिट कर पाएंगे, एक्सचेंज उसी वक्त हो सकता ना हो तो बट डिपॉजिट फिर भी आप करवा पाएंगे बैंक के अंदर। एज पर दिस सर्कुलर बैन का कोई वर्ड कहीं पर भी मेंशन नहीं है। सो ये भी एक पॉइंट हो गया, आगे समझते हैं। अब यहां पर एक और चीज है इंपॉर्टेंट, क्या इसे समझते हैं। अभी आप लोगों ने फर्जी वेब सीरीज तो देख ली होगी, पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते, ये डायलॉग सिर्फ वो लोग मारते हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं। साला मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे उसकी इज्जत ही नहीं करनी पड़े। अब फर्जी के चक्कर में भी आपको पता है ना कि एक आदमी हमारे गोल्फ कोर्स रोड पे गुड़गांव में दिल्ली की गाड़ी से नोट उड़ा रहा था, उसके ऊपर भी पुलिस ने कार्रवाई करी है। सो देवर सम यूट्यूबर्स और उन्होंने ऐसा किया। सो क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बॉलीवुड का, पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये 2000 नोट की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि कॉलेज के बच्चों ने ही छाप दिए। अब वो पकड़े गए, सीज कर लिए गए नोट को, पर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई भी फेक करेंसी या काउंटरफीट करेंसी के केस में पकड़ा जाता है तो 7 साल से लेके उम्र कैद की सजा हो सकती है। पर लोगों को तो वो गाना आजकल बड़ा पसंद आ रहा है ना, भोले बाबा देते नोट छापने की मशीन। अब नोट छापने की मशीन अगर पकड़ी गई ना तो उम्र कैद हो सकती है। आप यहां पर सिर्फ गाने तक मजाक में रखिए, ये मशीन नहीं होनी चाहिए आपके पास, मेहनत करो पैसे कमाओ। अब यहां पर आप समझिए, वहां पर एक चीज बताई गई है कि जो इंसान आज की डेट में फेक करेंसी बना रहा है, फेक करेंसी के ऊपर आप ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, ये द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इसे आप पढ़ सकते हैं कि नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने 2016 से डिमोनेटाइजेशन के बाद से लगभग 245 करोड़ रुपीस सीज किए हैं।
मतलब फेक करेंसी एक बहुत बड़ा इशू है। अब उस वेब सीरीज के अंदर दिखाया गया कि किस तरीके से, किस बारीकी से कोई भी आदमी जो फेक करेंसी बना रहा है वो एक एक बारीकी पर ध्यान देता है और एक आम आदमी को पता ही ना लगे कि कौन सा नोट असली है कौन सा नकली है। अब मेरे पास ये नोट है, मुझे भी नहीं पता कि इसमें से असली कौन सा है नकली कौन सा है। अब मान लीजिए मैं इन नोट को लेकर बैंक में जाऊंगा और बोलूंगा इसे एक्सचेंज कर दीजिए। अब इसमें एक या दो नोट अगर नकली निकले तो बैंक क्या करेगा? बैंक उस नोट को रख लेगा और मुझे उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा। आई विल नॉट गेट इवन अ सिंगल रुपी और इसके ऊपर काउंटर फीट होगा और इसे इंपाउंड कर लिया जाएगा। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, जिनके पास आज की डेट में, मैं अभी ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं फेक करेंसी की बात कर रहा हूं, जिनके पास फेक करेंसी है वो क्या करेंगे? अभी वो चाहेंगे कि जो उनके पास पैसा है उसे सर्कुलेशन में कैसे भी करके लाया जाए, क्योंकि अगर सर्कुलेशन में चला जाएगा उनको उसके बदले में कुछ जेन्युइन करेंसी मिल जाएगी तो उनका काम हो जाएगा। अब किया क्या जाता है, अगेन आपने अगर उस वेब सीरीज को देखा हो तो आम लेबर को, आम आदमी को पकड़ा दिया जाते हैं वो नकली नोट। अब एक आम आदमी मान लीजिए मजदूरी कर रहा है, मजदूरी में उसने कहीं से 10,000 रुपए कमाए, आम आदमी को पता ही नहीं लग रहा कि असली है नकली है, उसे 5 नोट दिए गए और अगर वो 5 नोट नकली हुए तो बैंक क्या करेगा? वो 5 के 5 नोट को सीज कर लेगा और सीज करने के बाद FIR भी कर देगा। उस आम आदमी को कुछ नहीं पता, बट अब उससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो वो कहां से मिले, क्योंकि यहां पे पूरा रैकेट का पर्दाफाश करना जरूरी है। सो गवर्नमेंट को एक चीज समझ आ रही है यहां पे, इनफैक्ट RBI का जो ये सर्कुलर आया ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, क्योंकि यहां पर उन्होंने सिर्फ, आप कह सकते हो कि अभी डराया है, ये बोला कि लीगल टेंडर रहेगा, पर जिसके पास फेक करेंसी है, अब वो फेक करेंसी एक जगह पे रखी हुई थी, दबी हुई थी, वो बाहर निकलेगा, चोर कुछ हरकत करेंगे और हरकत से उन्हें क्लू मिल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह पर दबा के रेड्स होने वाली हैं। आप ये देखेंगे न्यूज में भी, मेरे हिसाब से जरूर आएगा कि जिनके पास फेक करेंसीज हैं वो पकड़ी जा रही हैं और इससे एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है और इससे RBI की जो क्लीन नोट पॉलिसी है इस पॉलिसी को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी आप अगर इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे फेक करेंसी के ऊपर आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। आप 2021 का नौपुटा केस ले लीजिए, अभी तक भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रियाज और नसीर को पकड़ा गया था, अब फयाज को भी पकड़ा गया है रिसेंटली इसी महीने के अंदर। आप समझिए जो फेक करेंसी है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यहां पर इस केस के अंदर डी कंपनी का बिलिंग बताया जा रहा है। सो इंडिया को कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को वीक करने की कोशिश की जा रही है विद दिस फेक करेंसी। सो आप लोगों ने फर्जी देखी तो आपको काफी कुछ समझ आ गया कि हमारे लिए फेक करेंसी कितना बड़ा चैलेंज है। आप लोग अलग अलग लोगों के ट्वीट पढ़ रहे होंगे, कपिल सब्बल ने भी इस पे अपना बयान दिया है कि 2016 के अंदर जो सर्कुलेशन थी कैश की पूरे कंट्री के अंदर वो 17.7 लाख करोड़ थी और 2022 तक बढ़ते बढ़ते ये 30.1 लाख करोड़ पे पहुंच गई। और वो कहते हैं कि भाई जितना ज्यादा कैश सर्कुलेशन में होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा करप्शन का देश के अंदर। अब आता है पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू इज ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी क्या होता है? वो मनी जो अनअकाउंटेड होता है, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, उसे भी कहीं ना कहीं सर्कुलेशन में लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो पैसा सर्कुलेशन में आएगा उससे इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे। अब वो पैसा बाहर कैसे निकाला जाए? ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ये सर्कुलर, ये अभी एक थ्रेट है। अगर एक्चुअल में बैन कर दिया गया तो वो पैसे को बाहर निकलना पड़ेगा। और मैंने क्या बोला, इस सर्कुलर से भी कई सारे लोग डर जाएंगे और वो चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी बैन किया जा सकता है। हो सकता है 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया, उसके बाद बोल दिया जाए विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज सब कुछ बैन हो रहा है, तो वो बहुत सारा पैसा बाहर अगर निकलेगा तो वहां पर भी लोग पकड़े जा सकते हैं। ब्लैक मनी को सर्कुलेशन में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए आप देख रहे हो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को, UPI को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। सो यहां पर अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, पहली बात, अगर आपके पास 2000 के नोट है तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लीगल टेंडर अभी भी है और 30 सितंबर के बाद भी रहेगा, पर यस, आप 30 सितंबर से पहले जाके अपने नोट को या तो डिपॉजिट करा दो बैंक में या फिर उन्हें एक्सचेंज करा लीजिए। ATM से आपको 2000 के नोट नहीं मिलेंगे और पहले भी नहीं मिल रहे थे। आप देख रहे थे कि 2019 के बाद से ही ATM से बहुत मुश्किल हो गया था कि 2000 के नोट आपको मिले। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कहीं पर भी नकली नोट मिलता है, आपको खासकर बैंक के ATM में अगर नकली नोट मिलता है, तो आप उस नोट को जैसे ही वो निकलता है, हर ATM में CCTV कैमरा होता है, आप सबसे पहले
सीसीटीवी कैमरे को दिखाइए वो नोट, अपने पास जो ट्रांजेक्शन की स्लिप है उसे संभाल के रखिए, वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड है आप उसे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई मुझे 2000 का नकली नोट मिला है, या 500 का भी अगर नकली नोट मिले, कोई भी नकली नोट मिले उसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए। अगर आप बैंक में जाके बताएंगे उसके बाद कि मुझे नकली नोट मिला है आपकी एटीएम मशीन से, बैंक को उसे आपको बदलकर देना पड़ेगा, क्योंकि वो नकली नोट एटीएम से निकला है इसलिए बैंक आपको रिटर्न करेगा। पर अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास अपने कुछ नकली नोट हैं, आपको नहीं पता लगेगा नकली असली है, और आप बैंक में जाएंगे बैंक उन्हें जब्त कर लेगा। मुझे जनरली ऐसा लग रहा है कि जो फेक करेंसी है अगर वो सर्कुलेशन में आएगा कहीं ना कहीं आम आदमी पर इसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। कई सारे ऐसे करेंसी है जिसे इंपाउंड किया जाएगा। मैं आपको यहां पर ये भी समझाना चाह रहा हूं, अगर आप जस्ट गूगल करेंगे, आप इसे गूगल करेंगे कि हाउ मेनी फेक नोट्स वर डिटेक्टेड बाय बैंक्स, तो आपके पास डेटा आ जाएगा कि 2020-21 के अंदर ये जो पीसेज हैं 230,000 समथिंग इन्हें डिटेक्ट किया गया था। अब आपको फिगर तो समझ आ गया, 245 करोड़ को डिटेक्ट किया गया था। प्रीवियसली ये जो फिगर थी वो 208,000 थी। मतलब ये जो फेक करेंसी की जो पीसेज हैं ये बढ़ते जा रहे हैं सर्कुलेशन में, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं ये स्टेप भी लिया जा रहा है। फाइनली आप लोगों की क्या राय है आरबीआई के सर्कुलर के ऊपर, अपनी राय कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा एक चीज और, लास्ट टाइम जब डिमोनिटाइजेशन आया था कई सारे लोग जिनका ब्लैक मनी था उन्होंने अपना पैसा जला दिया, बोरे में भर के नाले में फेंक दिया। भाई ऐसा काम कीजिएगा मां लक्ष्मी के साथ। आप लोग अगर पैसा आपके पास ब्लैक मनी है चाहे गुरुद्वारे में चाहे मंदिर में जाके डोनेट कराइएगा, पर जलाइएगा मत। अच्छा जोक सपाट, आपकी मर्जी, आप अपने पैसे का जो मर्जी करें, पर यस ब्लैक मनी को आरबीआई मार्केट से हटाना चाहता है और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी एक्शंस देखने को मिलेंगे। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड अपना प्यार देकर लाइक कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम यू गो सेलिब्रेट।